न्यूज 524 के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम अयोध्या जिले के गोसाईगंज से 4 किलोमीटर उत्तर में गौहनिया गांव है। यहां पर गोसाईगंज नगर पंचायत का जो कूड़ा निस्तारण होता है, जो वहां पे कूड़ा निकलता है, अभी तक उसको महादेवा घाट पर फेंक दिया जाता है। जो घाट के किनारे है, जो बंधा है, बंधा पर अब तक कूड़ा फेंका जाता था, लेकिन अब इसको निस्तारण के लिए उसकी जैविक खाद बनाई जाएगी। क्या किया जाएगा, लेकिन उसको काम में प्रयोग कर लिया जाएगा और इधर उधर नहीं फेंका जाएगा। तो ये ग्राम सभा गौहनिया है और यहाँ पर गोसाईगंज नगर पंचायत का कूड़ा निस्तारण यंत्र यहाँ पर लगेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्डिंग बनकर तैयार है, पुताई हो रही है, ठेकेदार यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हम जानते हैं यहाँ पर कितने कमरे हैं, क्या क्या किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कोई अभी टेक्निकल पर्सन तो नहीं हमें दिख रहा, लेकिन जो ठेकेदार हैं उन्हीं के द्वारा हम जानकारी करेंगे। तो पहले आप लोग इस बिल्डिंग को देख लीजिए। यहाँ पर गोसाईगंज नगर पंचायत का कूड़ा निस्तारण यंत्र लगाया जाएगा और उस कूड़ा निस्तारण यंत्र को प्रयोग में लाया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ का बिल्डिंग दिखाते हैं और उसके बाद जो ठेकेदार हैं उनसे वार्ता करते हैं। देख लीजिए, पहले आप पहले इधर दिखाइएगा, यहाँ पर इसको किस मॉडल से बनाया गया है। और यहाँ पर काफ़ी लोग कार्य कर रहे हैं, ठेकेदार कार्य कर रहे हैं और लगभग यहाँ पर बन चुका है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर पुताई की जा रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर मशीनें नहीं आई हैं। यहाँ पर ये किस डिज़ाइन से बनाया गया है और यहाँ पर अभी तक मशीन नहीं लगाई गई है। इसके बाद यहाँ पर गोसाईगंज नगर पंचायत के ठेकेदार द्वारा बनवाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपको एक कमरा दिखा देते हैं। एक कमरा है, एक कमरा ये हो गया, छोटा कमरा है। आप इस कमरे को दिखाइएगा और यहाँ पर अभी तक बिल्डिंग कार्य नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। अभी यहाँ पर मकान बनकर तैयार हो गया है और पुताई भी हो गई। हम चलते हैं आगे और इस दूसरे कमरे को दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, ठेकेदार साहब मौजूद हैं, जनाब उनसे वार्ता करेंगे। लेकिन अभी पहले ठेकेदार साहब बताइए, ये गोसाईगंज नगर पंचायत का जो है कूड़ा निस्तारण का यंत्र बनाया जा रहा है, आप बताइए कि यहाँ पर कितने कमरे हैं, कैसे कैसे क्या क्या बन रहा है। तीन कमरे हैं, मतलब तीन कमरे हैं, एक छोटा है, बाकी दो नहीं, सब इसी बराबर है, तीनों कमरे। अच्छा, इसी के बराबर छोटा छोटा कमरा है। तो जैसे कुछ बताइए कि उस कमरे में क्या क्या जो होगा। देखिए, इसमें मशीन वगैरह, रिंच वगैरह रखी जाएगी। अच्छा, रिंच जाएगी। और उसमें जो है स्टाफ के रहेंगे, जो दो कमरे बने हुए हैं और तीन लैट्रिन बना हुआ है। तीन लैट्रिन, हाँ, तीन लैट्रिन और एक जो है दो पेशाब वाला बाथरूम। हाँ, इसका मतलब है कि जो यहाँ पर कर्मचारी लगेंगे और यहाँ पर रात को विश्राम करेंगे, रात में विश्राम करेंगे, परमानेंट रहेंगे। और जो गोसाईगंज नगर पंचायत का कूड़ा जो इधर उधर फेंका जा रहा है, अब कूड़ा को जो है प्रयोग में लाया जाएगा उसकी। तो जैसे कुछ बताइए कि जो कूड़ा यहाँ पर लाया जाएगा उसका क्या प्रयोग किया जाएगा। उसका जैविक खाद बनेगा। जैविक खाद बनेगा, ठीक है। तो जैसा कि ठेकेदार साहब बता रहे हैं, उसका जैविक खाद बनाया जाएगा। लेकिन हम इसकी पूरी डिटेल जो है नगर पंचायत के जो ईओ हैं, अधिशासी अधिकारी हैं या नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, हम उनसे भी जानकारी करेंगे। हाँ। लेकिन मोटा मोटी हम आपसे जान लेते हैं और थोड़ा हम आप लोगों को दिखा देते हैं ये जो कूड़ा यंत्र लगाया गया है वो कैसे बनाया गया है। फिर इधर का ढांचा आपने लोगों ने देख लिया, और जरा आप उधर से दिखाइएगा इधर को, पूरा जो है यहाँ का भवन आप दिखा दीजिए दूर से। और हम चलते हैं आपको अगला कमरा दिखाते हैं। एक कमरा दिखा दिया गया है और हम दूसरे कमरे के बारे में आप लोगों को दिखाते हैं। थोड़ा आराम से लीजिएगा, पहला कमरा हो गया और दूसरा कमरा ये अभी ताजी पुताई की जा रही है। एक कमरा उधर हो गया, दूसरा कमरा ये है और तीसरा कमरा उधर हो गया। अब यहाँ पर कुछ गांव के लड़के भी हैं जो गौनिया गाँव के भी हैं और देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं और मेन आप ठेकेदार हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जो यहाँ काम हो रहा है, जो पुताई उतई हो रही है, उसी को आप कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो ये काम लगभग जो कितने दिन में आप लोगों का पूरा हो जाएगा, पुताई वाला? सर, दो तीन दिन में पूरा हो जाएगा। हाँ, दो दिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जी, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो ये यहाँ का शौचालय है, जो यहाँ पर स्टाफ आएंगे, जो स्टाफ यहाँ पर रहेंगे, और बस इतना यहाँ का भवन है उस, और इधर बाथरूम बनाया गया है। फिलहाल अभी तक कंप्लीट नहीं है। जी, इधर से पूरा इसको बाउंड्री वाल में किया जाएगा, बना दिया जाएगा। और ये बाथरूम है, शौचालय है, यहाँ पर जो कर्मचारी रहेंगे उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर सारा चीज़ बनाया गया है। अब इस बारे में जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो एक बार हम फिर आएंगे और यहाँ का आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे कैसे किया जा रहा है और कूड़े का निस्तारण कैसे किया जाता है, हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं अमित तिवारी, न्यूज 524 अयोध्या।